नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम देखेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी। पहला वीडियो है, बेसिक जानकारी रहेगी और आपको इस पार्ट्स की जो समांतर श्रेणी है अध्याय 4 की, उसके बारे में हम पूरी तरह से डिटेल समझाएंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। इस बेसिक क्लियर करने के बाद जो आसानी से इस तरह से समांतर श्रेणी आप बना सकते हैं कि आपको ज़्यादा सोचने की ना तो ज़रूरत पड़ेगी, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि श्रेणी क्या है, उसके बाद हम समझाएंगे समांतर श्रेणी होता क्या। मैंने इस अंक को लिखा है एक इस प्रकार से, देखिए श्रृंखला बनाई है। यहाँ पर देखिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ, तीन, छः, नौ, बारह, बीस, अट्ठारह, सोलह, चौदह, माइनस दो, माइनस चार, माइनस छः, माइनस आठ। अब मुझे बताइए, इस जो श्रृंखलाएँ लिखी हमने, संख्याओं का श्रृंखला जो बनाए हैं, उसमें कुछ नियम दिख रहे हैं, कुछ संबंध दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। देखो, पहले वाले में देखेंगे तो एक एक की वृद्धि हो रही है ना। दूसरे में दो की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए तीन की वृद्धि हो रही है। चौथे में देखिए दो की कमी हो रही है, यहाँ भी देखिए दो की कमी हो रही है ना। यहाँ भी दो की कमी हो रही है, यहाँ भी दो की कमी हो रही है, लेकिन इसमें एक की वृद्धि, इसमें दो की वृद्धि, इसमें तीन की वृद्धि। मतलब इन पैटर्न में, इस श्रृंखला में एक संबंध है। क्या संबंध है? कि एक के बाद एक एक का योग होते जा रहा है, एक निश्चित क्रम है, एक नियम है। दूसरे में भी पहला संख्या के बाद अगले पदों में दो दो की वृद्धि हो रही है। तीसरे पद में आप देख सकते हैं कि पहले पद के बाद दूसरा, तीसरा, चौथे में तीन तीन की वृद्धि हो रही है, चौथे में दो दो की कमी हो रही है। पहले पद के बाद देखिए 18, 16 दो दो की कमी हो रही, यहाँ भी देखिए दो दो की कमी ही हो रही है। तो हम यही आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रेणी वाक, अब श्रेणी जो होता है वास्तव में होता क्या है। साथियों, आपने देखा कि किस प्रकार से संख्या के श्रृंखलाएं एक क्रमिक रूप से निश्चित संबंध में बंधे हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कि संख्या की श्रृंखलाएं क्रमिक रूप से एक निश्चित संबंध है, जिसे क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए तो एक ऐसी श्रृंखला जिसमें संख्याओं के मध्य एक निश्चित नियम के तहत यदि उसे रखा गया हो, बनाया गया हो, तो वह एक श्रेणी होता है। संख्या के श्रृंखलाएँ जो क्रमिक रूप से एक निश्चित संबंध में है, उसे क्या बोलते हैं? श्रेणी कहते हैं, उसे श्रेणी कहा जाता है। जैसे कि आपका ये, अब आता है समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी में जो श्रृंखलाएं होती हैं उसके पहले पद के बाद प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त की जाती है, उसके मध्य समान अंकों का योग होता जाता है, उसे जोड़ा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी। कहने का अर्थ यह है कि किसी
श्रेणी के पहले पद के बाद अगले पद में या अगले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। ध्यान से समझिएगा, एक श्रेणी में किसी श्रेणी के पहले पद के बाद अगले पदों में एक निश्चित संख्या को जोड़ करके प्राप्त किए गए संख्या के इस श्रेणी को क्या कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। एक निश्चित संख्या को जोड़ करके, प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, उसे कहा जाता है समांतर श्रेणी। यदि पहले पद में हम एक जोड़ते हैं तो दूसरे पद में, तीसरे पद पात्र में उतनी ही संख्या जोड़ेंगे, या पहले पद में हम जितना संख्या घटा रहे हैं उतनी संख्या दूसरे में से तीसरे घटे, मतलब इस श्रेणी के मध्य जो है एक समान अंक जुड़ेगा, उसी निश्चित अंक को, उसी निश्चित अंक को या निश्चित संख्या को सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, या इसी को पदांतर भी कहते हैं, जिसे डी से दर्शाया जाता है, स्मॉल डी से। ठीक है, इन संख्याओं के मध्य में एक निश्चित संख्या होती है जिसे जोड़ करके अगले संख्या को लिखा जाता है। उस संख्या के मध्य में जो संख्या गैप होता है, जितनी संख्या हम जोड़ते हैं उसी संख्या को सर्वांतर कहते हैं, या पर सर्वांतर मतलब इस संख्याओं के मध्य के बीच की संख्या, सर्वांतर या बोल सकते समांतर, समान अंकों का अंतर, समान अंकों का अंतर, यदि आम भाषा में समझें तो। इसमें आपको श्रेणी और समांतर श्रेणी समझ में आ गया, तो अब हम जो है इसमें अगले पार्ट्स देखते हैं, अगली चीज़ देखते हैं होता क्या है। इसमें जो प्रश्न आपको पूछे जा सकेंगे वो प्रश्न होता क्या है, एक तो आपको पूछेंगे सर्वांतर प्रथम पद, इसी प्रकार से द्वितीय पद तृतीय पद ही पूछ सकते हैं, और आता है समांतर श्रेणी की पहचान कि कौन सा समांतर श्रेणी है, ये आपको पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं। तो पहला हम प्रश्न उदाहरण के लिए लेते हैं, उदाहरण जैसे 2, 4, 2, 4, 6, 8। आपको यहाँ पूछ दिया जाए प्रथम पद सर्वांतर निकालिए। तो मैं आपको प्रथम पद कैसे बना जानते हैं और सर्वांतर किस प्रकार से निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, तो समांतर की बात करते हैं या प्रथम पद, इसकी श्रेणी के प्रथम पद में आपको ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, इसे प्रथम पद बोलते हैं। उसके बाद इन अंकों के बीच की जो संख्या, जो इसके मध्य जो संबंध बना रहा है या एक निश्चित संख्या है, उसे समांतर कहते हैं। जैसे प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, 2। मैंने बोला सर्वांतर, तो सर्वांतर हमेशा अगले पद में पहले पद को घटाकर निकाला जाता है। तो सर्वांतर के लिए सामान्यतः जो परिभाषा, मतलब जो फार्मूला होते हैं, डी बराबर हमेशा जो है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद लिखा जाता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो ये हमारा दूसरा पद है, तो 4 में हम 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा।
तो इसी प्रकार से आपको एक नंबर के लिए प्रश्न जो है हमेशा पूछते हैं, यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल आएंगे ही आएंगे 100%, एक प्रश्न। और आपके प्रश्नावली में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो कैसे बनाओगे उसको, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर उसको हम बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से साथियों इसमें एनवा पद भी पूछा जाता है। तो एनवा पद कैसे होगा, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एनवा पद, एनवा पद का एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ जहाँ ए बराबर होता है प्रथम पद, एन बराबर होता है पदों की संख्या और डी बराबर होता है सर्वांतर। अब एक नंबर के प्रश्न इसी में भी बनते हैं। एनवा पद का फार्मूला है, एनवा पद का फार्मूला ये आपको याद रखनी है, ये एनवा पद की फार्मूला है। और उसी में आपको एनवा पद में ए को कहते हैं क्या कहते हैं, प्रथम पद। एन को क्या कहते हैं, पदों की संख्या। डी को क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो आपको इसका नाम भी याद रखने होंगे। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं इसी में से, देखो एक नंबर का प्रश्न फार्मूला पूछेंगे, यहाँ प्रथम पद कौन सा है पूछेंगे, एन का मतलब क्या होता है पूछेंगे, या डी का मतलब क्या होता है, मतलब इनमें से चार प्रश्न ऐसी प्रकार से बनते हैं। तो इनमें आपको सर्वांतर पूछेंगे, पदों की संख्या निकालना भी पूछेंगे। तो इस एनवा पद से पदों की संख्या कैसे, एनवा पद कैसे निकालेंगे, चलिए मैं थोड़ी सी उदाहरण दे रहा हूँ, फिर प्रश्न वाले की ओर चलेंगे। देखो यहाँ पे एक प्रश्न है, मैं बना देता हूँ, 1 4 7 का एनवा पद, या आप देख सकते हो 10वां पद ज्ञात कीजिए, क्या होगा 10वां पद, ये हमको देखना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके लिए किस किस की ज़रूरत पड़ेगी। देखो इतने की ज़रूरत, ये हमको निकालना है एनवा पद, 10वां पद मतलब एनवा पद हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रथम पद और सर्वांतर की। तो सबसे पहले प्रथम पद आपको ज्ञात करना है, तो पहला पद 1 हो जाएगा। सर्वांतर कैसे निकालते हैं साथियों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद मतलब क्या हो जाएगा, द्वितीय पद ये हो आपका, ये जो है द्वितीय पद है 4, प्रथम पद क्या है आपका 1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा सर्वांतर, ठीक है। ये सर्वांतर क्या है आपका 3 है। तो अब आराम से आप जो है एनवा पद निकाल सकते हो, एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसे फार्मूला में मार रख के आप आराम से निकाल सकते, कैसे निकालोगे, एनवा पद मतलब, एनवा पद मतलब क्या हो गया 10वां पद, तो यहाँ लिखेंगे आप T10, 10वां पद A। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, N, N बराबर क्या निकालना है 10वां, N बराबर कितना है 10वां, हो ना, पदों की संख्या निकालना है 10वां, तो N बराबर क्या हो जाएगा 10वां। तो A, A बराबर क्या हमारे पास 1 प्लस N बराबर क्या है 10 माइनस 1। D, D का मान कितना है साथ यहाँ पे 3, तो 1 10 में घटा दीजिए 9, ये हो जाएगा गुना 3, 1 प्लस 9 तिया 27 और 1 28। तो इस प्रकार से आप 10वां पद लिख सकते हो, 10वां पद बराबर 28 होगा। इस प्रकार से आराम से आप निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो साथियों ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम प्रश्नावली में देखेंगे कि प्रथम पद कैसे निकालते हैं सर्वांतर, और पदों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है वो भी हम देखेंगे। तब तक इतना ही, थैंक यू।